नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद्यालय में। मैं रवि तिवारी, मैं आपसे रूबरू होता रहता हूं अलग अलग कारणों से, कभी आपकी परीक्षा से जुड़े पाठ्यक्रम उसकी योजना के साथ, और कभी आपकी परीक्षा से जुड़ी पुस्तकों के साथ, कभी आपकी परीक्षा से जुड़े करंट अफेयर्स के साथ। आज मैं रीजनिंग के साथ आपसे रूबरू हो रहा हूं। सुपरटेट और खंड शिक्षाधिकारी दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं आपके प्रदेश में आयोजित होनी है और बहुत सारे परीक्षार्थी इन परीक्षाओं को दे रहे हैं। इस परीक्षा से संबंधित बहुत सारी जानकारियां मैं आपको पहले ही प्रदान कर चुका हूं। इस समय एक बहुत बड़ा वर्ग है जो खूब मेहनत कर रहा है और इन परीक्षाओं का इंतजार कर रहा है, जिसमें खंड शिक्षाधिकारी की परीक्षा सबसे पहले 22 मार्च को होने चल रही है और सुपरटेट की भी ऐसी संभावना है कि अप्रैल तक आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। तो दोनों ही परीक्षाओं से संबंधित जो प्लानिंग है ना, और जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण सुझाव है, उनके लिए हर दूसरे तीसरे दिन मैं वीडियो बना के आपके समक्ष उपस्थित होता हूं। रीजनिंग पर अभी कोई भी वीडियो मैंने नहीं बनाया था, तो आज इन दोनों ही परीक्षाओं की रीजनिंग से संबंधित पहले विषय के साथ, पहले टॉपिक के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो आज से हम लोग रीजनिंग की शुरुआत करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों परीक्षाओं के लिए रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और परीक्षा में दिए हुए समय के अनुसार कैसे आपको टॉपिक हल करने हैं। पिछली बार जो सुपरटेट के अभ्यर्थी थे, मैंने आप सभी को बताया था कि सुपरटेट में रीजनिंग में बहुत सिलेक्टेड पढ़ना है। मैं 5-7 क्लासेज आपकी लूंगा और आपको 5-7 क्लासेज को अच्छे से दोहराना है, इन्हीं में से आपके प्रश्न मिल जाएंगे। बीईओ के जो अभ्यर्थी है वो भी इन क्लासेज को बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न आपको आराम से मिल जाएंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी जो संस्था से जुड़े हुए सदस्य हैं उनके बारे में तो कहना ही क्या, आप लोग खुद ही जान रहे हैं कि धुआंधार पढ़ाई आपके बैचेज में चल रही है। खंड शिक्षाधिकारी के बैचेज में प्रतिदिन 8 क्लासेज जा रही है, लगभग सभी नोट्स आपके पहुंच चुके हैं आपके पास, है ना, खूब बढ़िया से आपकी पढ़ाई चल रही है, क्वेश्चन आंसर्स भी हो रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। 9 क्लासेज लगभग आपकी प्रतिदिन जा रही है, समय भी अब थोड़ा सा कम बचा है, उस हिसाब से क्लासेज की स्पीड को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो आप तो खूब पढ़ रहे हैं, सुपरटेट की भी कक्षाएं कल परसों से प्रारंभ होने चल रही है, तो वहां पर भी कोई समस्या नहीं। सुपरटेट में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, बस 2 दिन और ध्यान रखने की आप लोगों को जरूरत है। क्लास शुरू करने से पहले मैं एक जानकारी दे दूं, अभी भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ये नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है ना। अगर आपको खंड शिक्षा अधिकारी की में एडमिशन लेना है तो आप इस नंबर पर वीओ एंट्री लिखकर भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। अगर आपको सुपरटेट में एडमिशन लेना है तो आप इस नंबर पर एंट्री सुपरटेट लिखकर भेज दीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। यदि कोई समस्या है, कोई संकोच है, ऐसी कोई दिक्कत है, तो नीचे स्क्रॉलिंग में जो नंबर चल रहा है उन नंबर्स पर आप फोन करके भी अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो आइए आज शुरुआत करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं आकृतियों की गिनती, है ना। तो मैं कहता हूं कि आकृतियों की गिनती में आप गिनते क्यों है, गिनने की तो जरूरत ही नहीं है, क्यों समय लगाए हम गिनती में। आइए आज मैं कुछ ऐसे तरीके आपको सिखाता हूं जहां पर गिनने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम ऐसे ही इसको हल कर सकते हैं। आज सबसे पहले त्रिभुज की आकृतियों की बात करते हैं, और त्रिभुज की ऐसी आकृतियों की बात करते हैं जो हमेशा आपको परेशान करती रहती है। जैसे इस जो सामने आकृतियां दिख रही हैं, इसको हम लोग कहते हैं सीढ़ीदार त्रिभुज। क्या कहते हैं? सीढ़ीदार त्रिभुज या सेडर ट्राइंगल। तो सेडर ट्राइंगल को हम कैसे हल करते हैं, बहुत आसान है, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पढ़े ही चुके हैं, हमें किसी भी त्रिभुज को इसमें से गिनने की जरूरत नहीं है, है ना। हम कैसे इसको हल करेंगे, बहुत आसान है, कैसे, देखिए हम कहते हैं छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणे 2 - 5। जब भी सीढ़ीदार त्रिभुज दिखे तो हमें सीधा करना है छोटे त्रिभुजों की संख्या (2 - 5) और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो अब हमें यह देखना है कि छोटे त्रिभुज जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये छोटे त्रिभुज होते कौन से हैं। आइए आसानी से मजाक ही मजाक में छोटे त्रिभुजों को भी जान लेते हैं। छोटे त्रिभुज होते हैं जो त्रिभुज अंदर होते हैं, जैसे हम गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, है ना। ये 16 त्रिभुज हो गए छोटे, अब तो कुछ करना ही नहीं है। अगर छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणे 2 - 5 है तो हम कहेंगे 16 - 2 - 5, तो आप बताओ ये कितना बचा। तो 16 × 2 = 32, और 32 में 5 क्या कितना बचा, 27। तो यहाँ पे उत्तर कितना हो जाएगा हमारा, 27। इसका उत्तर जल्दी से करके आप भेजिए, तो मुझे लगे कि हाँ आपको समझ में आया है,
बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज होने चाहिए, बताइए कैसे उत्तर करेंगे। तो छोटे त्रिभुजों को गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, फिर यहाँ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। छोटे त्रिभुज कितने हो गए बताइए, 25। अब 25 छोटे त्रिभुज हो गए तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे बताओ, 25 गुणे, हाँ छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणे 2 माइनस 5, तो अब बताइए कितना हो गया 45। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बताइए, 45 हो गई। तो जब भी सीढ़ीदार त्रिभुज आए, ये त्रिभुज आपसे दो तरीके से पूछा जाता है, जब भी सैडल ट्राइंगल या सीढ़ीदार त्रिभुज आए तो सीधे 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 हमें काउंट करना है छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणे 2 माइनस 5। क्लियर हुई बात, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब इस त्रिभुज में एक हम कहें कि एक टाइप वन है, ध्यान से समझिएगा, सुपर टेट वालों की कक्षा और बीओ वालों की कक्षा है ना, ये समझ लीजिए रीजनिंग की प्रारंभ है ना। आइए अब यहां पर अगर हम लोग देखें इस चीज को, इसका टाइप टू जो होता है वो इससे थोड़ा सा और कठिन होता है। जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल में फॉर्मूला हम कब लगा सकते हैं, जब लगा सकते हैं जब सेडल ट्राइंगल पूरा हो। जैसे मान लीजिए हमने 3 आकृतियों वाला त्रिभुज यहां बनाया आपके लिए, और यहां पर मैंने जो आकृतियां यहां पर बनाई ऐसी बना दी मैंने ये आकृति, है ना। अब ऐसी अगर ये आकृति बना दी तो इसको कैसे हल करेंगे। एक और बात ध्यान रखिए, यही एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो सी टेट में भी आता है, टेट में भी आता है, सुपर टेट में भी आता है और बीओ में भी आता है, यूपी टेट में भी पूछा जाएगा, या आप कहीं का भी टेट दे रहे हो तो आकृतियों की गिनती आपसे पूछी जाएगी, सुपर टेट में भी पूछा जाएगा, सी टेट में भी पूछा जाएगा, है ना, और खंड शिक्षाधिकारी में भी आपसे पूछा जाएगा। तो यहां पर आप गौर से देखिए इस टॉपिक, अब इसमें हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि वो फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब सैडल ट्राइंगल कंप्लीट हो। वो यहां पर गौर से देखिए, सैडल ट्राइंगल कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये वाली रेखा नहीं है, गौर से देखिए, अगर ये रेखा नहीं है तो सैडल ट्राइंगल आपका कंप्लीट नहीं है, और सैडल ट्राइंगल कंप्लीट नहीं है तो वो हमारा फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो हम उस फॉर्मूले को लगाने के लिए सबसे पहले सैडल ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेंगे, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। अब अगर हमने सैडल ट्राइंगल कंप्लीट किया तो हम इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा 16, अब अगर हम इसको हल करें तो 16 गुणे 2 माइनस 5 तो हो गया, तो ये हो गया 27। लेकिन क्या ये सही उत्तर होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन तो थी ही नहीं, ये तो आपने फॉर्मूला लगाने के लिए खींची है। तो जब हम इस लाइन को रिमूव करेंगे तो बताओ कितने त्रिभुजों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर अगर इस लाइन को हम रिमूव कर देते हैं जो लाइन नहीं थी, तो 2 त्रिभुजों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, किस किस का बताइए, 10 का और 11 का। तो -2 और करेंगे तो अब यहां पर सही संख्या कितनी होगी, 25। तो हमारा उत्तर कितना होगा, 25। ये प्रश्न यूपीपीसीएस ने आपसे पूछा था और यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। ऐसे ही वेरिएशन के साथ एक बार ये प्रश्न आईएएस की परीक्षा में भी आपसे पूछ लिया गया, प्रारंभिक परीक्षा में। देखिए अब आप लोग कितनी आसानी से उसका उत्तर करते हैं, यहां पर देखिए। जैसे देखिए मान लीजिए मैं एक ट्राइंगल आपको बना के दूं, 4 साइडेड ट्राइंगल, है ना, और आपसे पूछूं कि इसका उत्तर जल्दी से कर दीजिए, तो क्या उत्तर आप लोग इसका करेंगे। जैसे मान लीजिए 4 साइडेड ट्राइंगल है और यहां पर हम लोगों ने ऐसी रेखाएं खींची, क्लियर है। चलिए आइए ये मान लीजिए हमने खींच दिया यहाँ पर, है ना, ऐसी रेखा हम लोगों ने यहाँ पे खींच दी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका उत्तर क्या होगा 4 साइडेड ट्राइंगल का, तो देखिए अब यहाँ पर आपको कॉमन सेंस ये लेना है कि वो फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब ये दोनों रेखाएं होंगी, है ना, क्योंकि ये दोनों रेखाएं तो है नहीं। अब ये दोनों रेखाएं नहीं है, जब आप इसमें गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ध्यान दीजिए 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। अब गौर से देखिए, ये ट्राइंगल का अस्तित्व नहीं है और ये ट्राइंगल का अस्तित्व नहीं है और ये ट्राइंगल का अस्तित्व नहीं है और ये ट्राइंगल का अस्तित्व नहीं है, तो कितने ट्राइंगल का अस्तित्व नहीं है, 4 ट्राइंगल का अस्तित्व नहीं है रेखाओं से। तो हम क्या कहेंगे, 25 गुणे 2 माइनस 5 बराबर कितना हो गया बताओ, 45। लेकिन कितने ट्राइंगल कम है, 4, तो जब आप 4 कम करेंगे तो कितना होगा, 41। तो बताइए इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी, क्लियर है। तो उम्मीद है कि यहां से जब भी सैडल ट्राइंगल आएगा अब आप सैडल ट्राइंगल को कभी भी गलत नहीं करेंगे। और भी बहुत सारे त्रिभुज आपसे पूछे जाते हैं, जैसे चलिए बताइए भाई सैडल ट्राइंगल क्लियर हुआ,
अब मान लीजिए से एक त्रिभुज आपसे ये पूछा जाता है इस तरीके से, तो इस त्रिभुज को कैसे हल करना है। जैसे मान लीजिए त्रिभुज आपसे पूछा गया आसानी से, है ना। अब आपसे पूछा गया इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस सेगमेंट गिनने हैं। 1, 2, 3, 4 कितने सेगमेंट है, 4। चारों सेगमेंट को जोड़ दीजिए, त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी, काउंट करने की जरूरत नहीं है। 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 तो यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 10। तो बताइए ये सभी स्थाकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 10। ये प्रश्न आपसे लैंग्वेज में भी पूछे जाते हैं, अभी मैं लैंग्वेज वाला भी हल कराता हूं। अब जैसे मान लीजिए तो 10 हो गए, चलिए मैं एक आकृति आपके लिए देता हूं इसी प्रकार की। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक आकृति आपके लिए बना दी, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ये बना दी, और मैंने आपसे बताया कि तेजी से बताइए सेकंड समय इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो बताओ क्या क्या बताएंगे त्रिभुजों की संख्या इस आकृति में, तेजी से बताइए। तो बहुत आसान है, आप में से बहुत सारे लोग उत्तर भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेखाएं नहीं गिननी है, लाइंस नहीं गिननी है, सेगमेंट्स गिनने हैं। लाइंस नहीं गिननी है, सेगमेंट्स गिनने हैं। सेगमेंट्स कितने होंगे बताइए, यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपने कहा 7 सेगमेंट होंगे, 7 और 6 13, 13 5 18, 18 4 22 22, 3 25, 2 27, 1 28 तो बताइए यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 28। तो आपने कहा सर इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, बताइए 28 हो गई, 28 हो गई। तो गिनने की जरूरत क्या है, सीधे ऐड कर दीजिए, आपके त्रिभुज आ जाएंगे। अब इसी त्रिभुज को जब थोड़ा सा और कठिन किया गया आपके लिए तो कैसा होगा, धारा प्रवाह पड़ रहे हैं, कहीं रुकना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, चलते चलिए। जैसे मान लीजिए हमने एक सरलतम आकृति फिर बनाई अभी ये आकृति जब हमने यहां पर बनाई और एग्जामिनर ने क्या किया, इसमें ऐसी लाइंस खींच दी। अब जब ऐसी लाइंस खींच दी तो भाई मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अब हम इसको कैसे काउंट करें। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसी लाइंस खींच दी तब भी इसको काउंट किया जा सकता है। जैसे 1, 2, 3, 4 जितना करना था वो तो करना ही है गिनने के लिए, तो 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10 तो बताओ यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 10। अब कुछ मत करिए, एक छोटा सा काम यहां पर करिए, जितनी लाइंस खींची है उससे एक बड़ी संख्या से इसको गुणा कर लीजिए। आसान तरीके से जितनी लाइंस खींची है, पढ़ा रहा हूं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, लेकिन क्रमचय संचय का नाम नहीं लूंगा और पूरा ट्राइंगल आपको हल करा दूंगा, पूरा वर्ग हल करा दूंगा, आयत हल करा दूंगा, वृत्त हल करा दूंगा, घन हल करा दूंगा, बस देखते रहिए। जैसे यहां पर 10, अब कितनी लाइन है, 1, 2, 3, 4 तो बताओ 4 लाइन है, तो एक बड़ी संख्या का गुणा कर दीजिए 5 का, बताओ यहां पर कितना हो गया, 50। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 50। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपसे यूपी टेट में पूछा जा चुका है। चलिए अब बताइए, जैसे मान लीजिए और आगे बढ़ चलते हैं, जैसे एक ट्राइंगल आपके लिए भी देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मान लीजिए मैंने एक खींच दिया। अब कोई बाहुबली ही होगा जो गिन पाएगा, है ना, क्योंकि गिनना तो थोड़ा सा कठिन है। अब देखिए यहां पर, अब हमने ये लाइन खींच दी, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो जल्दी से आपको इसको बताना है, तो बताइए जल्दी से उत्तर कर दीजिए, क्या होगी त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो आप सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कर दिया 7। अब बताइए पहले तो इसी को गिन लेंगे, 7 और 6 13, 13 5 18, 4 22, 22 3 25, 2 27, 1 28 अब यहां पर अगर ये 28 है, अब मल्टीप्लाई तो करना ही है, क्या मल्टीप्लाई करना है, जितनी आपकी हॉरिजेंटल क्षैतिज रेखाएं हैं उससे एक बड़ी संख्या का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो कितनी क्षैतिज रेखाएं बताओ, 1, 2, 3, 4, 5 तो हम गुणा किसका कर देंगे, 6 का कर देंगे। अब बताओ 6 8 48 8 कैरी किया, हाँ 4 अच्छा जी भाई 16 168 हो गया। तो यहां पर बताओ आकृतियों की संख्या कितनी हो गई, 168 हो गई। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलिए 168 हो गई, आप लोग भी सही उत्तर कर रहे हैं। अब ये जो ट्राइंगल होता है इसके दो नेचर होते हैं, दो टाइप होते हैं, और इन दो टाइप में हम कभी कभी क्या करते हैं, इस त्रिभुज को हम गलत भी कर देते हैं। कैसे गलत कर देते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, देखते चलिए। देखिए होता क्या है बेटा, कैसे दो टाइप होते हैं, ये तो आसान हो गया। जैसे मान लीजिए मैं दोनों एक जैसे ट्राइंगल बनाऊं, देखो ये 5 लाइंस मैंने यहां पर खींची ऐसे, और यही 5 लाइंस मैंने यहां पर खींची। चलिए अब देखो दोनों में मैंने रेखाएं खींची अलग अलग,
चार यहां पे खींचे और चार यहां पे खींचे। अब जब अलग अलग रेखाएं मैंने दोनों में खींची दी तो बताओ इसमें कोई अंतर है? बिल्कुल अंतर है, देखना है। यहां पर ये रेखा है जो शीर्ष तल से गिरी गई है और जब ये रेखा यहां से जाएगी तो पूरे त्रिभुज की प्रॉपर्टी को क्या कर देगी? चेंज कर देगी, कैलकुलेशन को क्या कर देगी? परिवर्तित कर देगी। आसानी से सीखिए, पहले देखिए इस ट्राइंगल को अगर हल करना हो तो ये तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये कॉमन फीचर है जो हम पढ़ चुके हैं, चार तीन सात दोनों एक दस, ये दस हो गया, एक दो तीन चार, हम पांच का गुणा कर देंगे तो यहां तो पचास आ गया। लेकिन ये मामला 50 से ऊपर निकल गया। कैसे? देखो जितना इसमें करना है उतना तो इसमें करना है, एक दो तीन चार, है ना, चार तीन सात दोनों एक दस, दस ये हो गया, लाइंस कितनी है, एक दो तीन चार, तो हम पांच का गुणा भी करेंगे। लेकिन प्लस ध्यान दीजिएगा, जितने नीचे सेगमेंट है उतने ही त्रिभुज और बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये जो आकृति आप यहां से देख रहे हैं, ये यहां से यहां तक एक त्रिभुज, ये यहां से यहां तक दो त्रिभुज, ये यहां से यहां तक तीन त्रिभुज और यहां से यहां तक चार त्रिभुज। इतनी आकृति को अगर हम केवल यहां पर निकाल के देख लें बेटा, देखो ये आकृति कुछ ऐसी हो गई है जो वहां पर है, एक एक एक, है ना। तो देखो एक ए त्रिभुज, फिर एक ए त्रिभुज, फिर एक ए त्रिभुज और एक ए त्रिभुज। तो जितने नीचे सेगमेंट है उतनी ही संख्या को और जोड़ देना है और त्रिभुजों की संख्या स्पष्ट हो जाएगी। तो यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 54, है ना। तो 54 ट्राइंगल्स आपके इसमें हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए, समझ में तो आ ही गया होगा, मैं एक और आपको प्रश्न देता हूं। आवाज थोड़ी सी खराब चल रही है गले की वजह से, लेकिन हमें गाना थोड़ी ना गाना है किशोर कुमार का, है ना। इतना तो समझ में आ ही गया कि फिगर काउंटिंग को कैसे हल करते हैं, है ना। और हम बहुत सुरीले भी नहीं है, क्लियर। सुरीले होते तो आप लोगों के सामने क्यों होते, गायक बन गए होते कहीं। तो इतनी तो आवाज समझ में आ ही रही होगी आपको, है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, आ रही है ना। चलिए आइए, आप देखिए देखिए यहां पर इसको गिनना है, उत्तर कर दीजिए, एक दो तीन चार और पांच। जब हम बीच में बातें करते हैं तो आप बाद में नीचे कमेंट जरूर किया करिए, आपके कमेंट पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बहुत क्रांतिकारी सोच के व्यक्ति हैं और कमेंट भी बहुत धुआंधार और क्रांतिकारी ही करते हैं, है ना। तो परीक्षा भी हमें क्रांतिकारी तरीके से ही पास करनी है, और पास ही नहीं करनी है, हमें करना है टॉप, है ना। टॉप करने के लिए पढ़ रहे हैं, पास करने के लिए तो पूरी दुनिया पढ़ रही है। तो पास नहीं करना है, टॉप करना है, आगे बढ़ना है। अब यहां पे देखो, अब इसमें गिन के बता दो बेटा कितने त्रिभुज होंगे, जल्दी से बिना बस मैं सोचूंगा तुम बता दो, है ना, बताओ। चलो एक दो तीन चार और पांच, पांच और चार नौ, तीन बारह, दो चौदह, एक पंद्रह, ये तो पंद्रह हो गया मल्टीप्लाई। अब बताओ एक दो तीन चार पांच, तो छह हो जाएगा, प्लस जितने बेटा सेगमेंट है उतनी ही संख्या को यहां पर उठा के और जोड़ दीजिए, पांच को और जोड़ दीजिए, तो बताओ पंद्रह छक्के नब्बे, और नब्बे में जब हम पांच जोड़ेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, पंचानवे। तो यहां त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए, 95। तो ये दूसरा नेचर था उसी त्रिभुज का, जब लाइन यहां से गई हो तो ध्यान रखना है, और ऐसा मत करना जबरदस्ती से कि जब नहीं गई हो और आप पांच जोड़ दें, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो पहले तो ध्यान पूर्वक देखना है, देखने के बाद समझना है, और समझने पर समझ में आ जाए अगर कि जोड़ना है तो जोड़ना है, और अगर लगे कि लाइन यहां से नहीं है तो सिंपल कैलकुलेशन कर देनी है, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम किसी टॉपिक को जबरदस्ती कठिन ना बनाए तो वो टॉपिक कठिन नहीं होता। मानव निर्मित लक्ष्य को मानव ही प्राप्त करता है। अगर ये त्रिभुज किसी एग्जामिनर ने बनाया है तो वो भी एक मानव था, आप भी एक मानव है, आप ही इसको हल करेंगे। वो ये सोच सकता है कि ये प्रश्न बन सकता है, तो आप ये आसानी से सोच सकते हैं कि अगर प्रश्न बना है तो हल हो सकता है। दुनिया का ऐसा कोई प्रश्न है ही नहीं जो आज तक हल नहीं हुआ हो, है ना। लेकिन आसानी से, कूल काम एंड रिलैक्स, कोई प्रश्न आपसे बच नहीं सकता। परेशान नहीं होना है, ना, प्रश्न को परेशान नहीं होना है, और प्रश्न को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। किसी भी विषय का ये नेचर आप समझ लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए, यहां से आगे बढ़े तो और भी नेचर होता है। कैसे? देखिए नेचर क्या कहता है हमारे यहाँ पर, गौर से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक आयत या वर्ग के अंदर अगर हम एक विकर्ण खींचे, एक आयत या वर्ग के अगर हम एक विकर्ण खींचे तो दो त्रिभुज हो जाएंगे कि नहीं। लेकिन अगर हम दोनों विकर्ण खींचे तो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी आठ, अच्छे से आप जानते हैं। अगर आपकी खूबसूरत आंखों को ये आठ त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं कि आठ हो कैसे गए, है ना। चलिए मैं आपको बताता हूं, गौर से देखिए ये आठ कैसे हो गए, मैं आपको बताता हूं। देखिए
एकायक वर्ग में अगर दोनों विकर्ण खींच दिए जाए तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? आठ। कैसे आठ होगी समझ लीजिए, चार तो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, फिर यहां पे मैं एक प्रमेय भी बताता हूं आपको, चार हो गए। चलिए पांचवा देखिए आप, ये हो गया बड़ा, और छठवा ये हो गया कि नहीं? अब दो और हैं, तो चलो दो और दिखाते हैं आपको। फिर गौर से देखिए सातवा ये नहीं ना, अभी आपने सातवा ये हो गया और आठवा ये हो गया कि नहीं? तो आठ हो गए कि नहीं हो गए? अगर आठ हो गए तो यहीं से एक लॉजिक हमारा निकलता है। देखो चार पांच छह सात आठ, क्या आपकी खूबसूरत आंखों को ये आठ त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? अगर दिखाई दे रहे हैं तो लिखिए हाँ दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर देखिए आप लोग, अगर ये आठ त्रिभुज है तो यहीं से एक लॉजिक निकलता है। आपने हाई स्कूल और इंटर में एक निर्णय प्रमेय में पढ़ा होगा, आयत या वर्ग में त्रिभुजों की संख्या, ध्यान से दीजिएगा, बड़ी बड़ी चीजें छोटे छोटे तरीके से बता रहा हूं, त्रिभुजों की संख्या केंद्र से जाने वाली रेखाओं की दोगुनी होती है। केंद्र से जाने वाली रेखाओं की दोगुनी होती है। सिंपल सी बात है, दोगुनी होती है। अब अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये केंद्र है, बोलो है कि नहीं? तो केंद्र से कितनी रेखाएं जा रही हैं? चार। तो हम सीधे देख लेंगे चार का दुगना कितना होता है? आठ। तो हमें इतना लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई। हमने देखा केंद्र से कितनी रेखाएं जा रही हैं? चार, क्योंकि ये भी तो एक प्रोसेस है ज्योमेट्री के हिसाब से अगर देख लिए तो। अगर चार का दुगना कितना हो गया? आठ। तो यहां पर हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? आठ। अब एक बार बेटा और यहां पर समझ लीजिए, आठ अगर हो जाएगा तो समझ लीजिए ये आपको काम कब आएगा? ये काम आएगा कि मान लीजिए किसी ने ऐसी एक आकृति बना दी और उसमें ढेर सारी लाइंस खींच दी ऐसे, और आपसे कहा गया बताओ इसमें कितनी आकृति है, त्रिभुज है। तो अब आपको त्रिभुज गिनने की जरूरत नहीं है, बस आप केंद्र वाली रेखाएं गिनिए ना, पांच छह सात आठ। अगर आठ रेखाएं हैं तो आठ का दुगना कितना होता है? सोलह। तो बताओ यहां पर त्रिभुज कितने हो जाएंगे? सोलह। क्योंकि अभी अभी तो आपने पढ़ा है, क्या बताओ केंद्र से जाने वाली रेखाओं के कितने होते हैं? दोगुने होते हैं, है ना? अब देखो एग्जामिनर ने क्या दिमाग लगाया, ये तो आपने यहां पे कर लिया। एग्जामिनर ने कहा देखिए, उसने कहा बताओ इसमें कितने होते हैं, तो आपने कहा आठ। उसने कहा बताओ इसमें कितने होते हैं, तो आपने फिर कहा सर इसमें भी आठ। उसने कहा दोनों में कितने होंगे, तो आपने कहा सोलह। उसने कहा ये तो सब जानते हैं। फिर उसने कहा कि अगर हम इस आकृति को ऐसे बना दें, एग्जामिनर तो भाई सोच सकता है, उसने कहा अगर हम इस आकृति को ऐसे बना दें, है ना, कैसे बना दें? ऐसे बना दें, और उसने यहां पे एक यहां खींच दिया, एक यहां खींच दिया, एक यहां खींच दिया और एक यहां खींच दिया। अब उसने कहा कितने हैं, तो अब आप सोलह नहीं कह सकते, क्योंकि नॉन वर्बल में दो आकृतियां जहां मिलती हैं उसको हम कहते हैं जंक्शन इंपैक्ट। नॉन वर्बल में दो आकृतियां जहां मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? जंक्शन इंपैक्ट। तो आठ तो इसके थे और आठ इसके थे, वो आठ और आठ सोलह तो हो गए, लेकिन जैसे ही कोई जंक्शन इंपैक्ट बनता है तो आप गौर से देखिए ये दो नए ट्राइंगल नए बन गए जो इससे पहले इस आकृति का हिस्सा नहीं थे। क्या आपकी खूबसूरत आंखों को ये दोनों त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो जंक्शन इंपैक्ट के दो और बन जाएंगे बेटा। तो अब इस तारीख में कितने हो जाएंगे बताओ आकृति में? 18। तो यहां पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए? 18 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब फिर गौर से समझिए इसी प्रक्रिया को, और जब आगे बढ़ाया गया तो यहां पर देख लीजिए बेटा, ऐसे एक ट्रायंगल बना दिया गया, है ना? अब उन्होंने कहा बहुत सारे कर दे तो भी घबराने की जरूरत नहीं, अगर बहुत सारे हो जाएंगे तो भी। देखिए ए हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और ये पांचवा। तो कुछ नहीं करना है आपको, ट्राइंगल अलग गिनने हैं और जंक्शन इंपैक्ट अलग गिनने हैं। जैसे आठ इसके, आठ इसके, है ना, आठ इसके, आठ इसके और आठ इसके, ये तो हो गए। अब जंक्शन इंपैक्ट मतलब दो इसके, इस जंक्शन इंपैक्ट के दो, इस जंक्शन इंपैक्ट के दो और इस जंक्शन इंपैक्ट के दो। तो अब अगर हम गौर से देखें तो कितने हो गए बताओ? 40। और 40 और 8 48। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई बताइए? 48 हो गई, है ना? 48 हो गई। क्लियर हुई बात? तो थोड़ी सी आवाज की समस्या है, तो इसके दूसरे भाग को आप थोड़ा सा कल कराऊंगा, है ना? क्योंकि आज
ज्यादा करा दूंगा तो मुझे भी दिक्कत हो जाएगी। तो यहां तक की क्लास कैसी लगी बताइएगा। मैंने कहा गिनने की जरूरत नहीं है तो गिनने की जरूरत नहीं है, हमें नहीं गिनना है। और मैं वादा करता हूं कल की क्लास और देखिएगा, एक भी आकृति को गिनना नहीं पड़ेगा। मैं यही पब्लिक वृत्त भी करा दूंगा, आयत भी करा दूंगा, वर्ग भी करा दूंगा, घन भी करा दूंगा, और लैंग्वेज बेस्ड जो इसके क्वेश्चन आते हैं कल की क्लास में वो भी करा दूंगा, तो कहीं भी आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। बाकी मैंने पहले भी बताया कि बैच धुआंधार संचालित हो रहे हैं। आप देखिए बीओ में एडमिशन लेना हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप एंट्री, और सुपर टेट में इस नंबर पर व्हाट्सएप एंट्री, या नीचे जो स्क्रॉलिंग में नंबर चल रहे हैं उन नंबर्स पर भी आप क्या कर सकते हैं, फोन करके एडमिशन ले सकते हैं। देखिए संस्था बिना अर्थ के चलती नहीं, आप भी जानते हैं बहुत सारे कर्मचारी हैं, तो संस्था की तरफ से सूचनाएं भी देनी पड़ती हैं, क्योंकि हम लोग बहुत जबरदस्त मेहनत आपके लिए करते हैं, है ना। तो अनेकों शुभकामनाओं के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। नीचे अपनी शुभेच्छाएं और विचार जरूर व्यक्त करिए, कैसा महसूस कर रहे हैं, है ना। शेष बातों के साथ कल मैं फिर आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।